Hello, assalamu alaikum, and welcome to SabZ Khan's live broadcast about difficult dialogue. Now, difficult dialogue ek aisa mauzu hai jiske liye bahut sare log chahe aap kisi bhi country mein hoye, kisi bhi city ke andar hoye, kisi bhi ilake mein rehte hoye, aisi bahut sari baatein hoti hain jo hame bahut mushkil lagta hai baat karne, dialogue karne, wo discussions raise karne. मैंने आज इसे चार कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया है. मैंने कहा पर्सनली बातें होती हैं, लोकल बातें होती हैं, नेशनल बातें होती हैं और इंटरनेशनल जियोग्राफिकल या ग्लोबल बातें होती हैं. तो इन चार कैटेगरीज के अंदर हम अपने सारे इंटरव्यूज को पूछेंगे कि आप हमें बताएं कौन से ऐसे मौजू हैं जो आपको पर्सनली लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे मुश्किल लगते हैं आपके ओपिनियन के मुताबिक. तो उसके अंदर कोई राइट रॉन्ग भी नहीं है, ये आपकी टोटल सोच है और आपको मौका दिया जाएगा कि आप अपनी सोच को जाहिर करें और एक्सप्रेस करें. तो अब हम बुलाते हैं आदिल लतीफ को जो पाकिस्तान से हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं और इन्हें हम कहते हैं वेलकम टू SabZ Khan डिफिकल्ट डायलॉग सेक्शन. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम जी सबीना, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने SabZ Khan प्लेटफॉर्म से डिफिकल्ट डायलॉग के लिए मुझे बात करने के लिए चूज किया. बहुत शुक्रिया आपका. थैंक यू, नो वरीज. मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप हमारे फर्स्ट पर्सन हैं जो डिफिकल्ट डायलॉग में हमारे साथ लाइव इधर एंगेज हो रहे हैं. आपने प्रोग्राम के अंदर जो पहला प्रोग्राम पाकिस्तान में हमने रखा था दबिस्तान इकबाल में मार्च के महीने में, आई थिंक मार्च 25th, उसके अंदर भी आपने ज्वाइन किया था. सो यू आर वन ऑफ द कंटिन्यूइंग पीपल जो हमारी ये सोच में हमारी मदद कर रहे हैं कि हम उन मौजुओं को एड्रेस करें जब हम सबसे पहले हम बोलेंगे कि ये मौजू है क्या. तो इस हवाले से मैं कह रही हूँ, सो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट. और अब आप हमें क्या क्या हमारे साथ बताना चाहते हैं कि पर्सनली पर्सनली कौन से ऐसे मौजू है जो आपको लगता है कि मुश्किल है डील करने में. जी मैं पर्सनली अपनी बात करूं तो काफी ज्यादा इश्यूज हैं मेरे साथ. मसलन मैं जब स्टूडेंट लेवल पे था, मैट्रिक लेवल पे था मैं, तो उस वक्त मुझे काफी मुश्किल होती थी टीचर्स के साथ कम्युनिकेट करने में. मैं एक ऐसा स्टूडेंट था कि मैं क्लास में मुझसे टीचर लेसन सुनते थे या मुझे खड़ा करते थे लेसन सुनने के लिए, तो मैं अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर सकता था. मैं डरता था उनसे और मैं कम से कम रोने लग जाता था, तो ये मेरे लिए काफ़ी डिफिकल्ट था. तो उसके बाद मुझे अल्लाह का शुक्र है कि टीचर्स कुछ ऐसे मिले जिन्होंने मुझे गाइड किया और मैं इस पे ओवरकम किया मैंने और इसको कवर अप किया. और अब अल्लाह का शुक्र है कि मैं इससे तो निकल आया हूँ, लेकिन अभी भी मेरे पास काफ़ी इश्यूज हैं और मैं कोशिश करता हूँ कि इस तरह से डिस्कस किया जाए. इस तरह से डिस्कस करने के बाद मुझे कहीं से किसी टीचर की तरफ से, किसी अपने साथी की तरफ से या किसी भी तरीके से कम्युनिकेट करके उसके बारे में कोई भी हल निकले तो मैं उसका हल कर सकूँ. ये प्लेटफॉर्म इस हवाले से अगर आपने शुरू किया तो काफी अच्छा है. और मेरा इशू, करंट इशू जो इस वक्त चल रहा है, वो मेरा ये है कि मुझे काफी डिफिकल्टी होती है अपने आप को, अपने इमोशंस को कंट्रोल करने पे. जब आइडियोलॉजिकली कोई बात होती है, आइडियोलॉजिकली कोई चीजें होती हैं, मैं एक किस्म से काफी आइडियलिस्ट हूँ, तो मैं हर चीज को आइडियोलॉजी की नजर से देखता हूँ और आइडियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ, तो ये मेरे लिए काफी डिफिकल्टीज क्रिएट करता है किसी भी इशू को डील करने के लिए. तो आपने काफी मुश्किल आता थी. आपने ये आइडियोलॉजिकल जो नजरिया है ये आपने खुद सोचा है कि मैंने अब इस तरीके से सोचना है तो इसलिए अब आपने ये सोच पकड़ी है, या आपके अंदर पैदाइशी कोई बात है जिसकी वजह से आप आइडियोलॉजिकल तरीके से सोच रहे हैं? मैम मेरे साथ पदाशी तो मुझे नहीं पता, मैंने कभी इतना ऑब्जर्व नहीं किया. मैं आपको बता रहा हूँ कि मैट्रिक तक तो मैं ऐसे था कि मेरे अपने आप की भी होश नहीं होती थी, लेकिन अच्छा. मेरे जो मुझे समझ आती है कि मैं इस तरह से आइडियलिस्ट हूँ कि मैं कंप्रोमाइज नहीं कर सकता किसी चीज पे. अगर कोई प्लान बनाया गया है,
अगर कोई ऑब्जेक्टिव सेट किए गए हैं, अगर किसी के साथ कोई कमिटमेंट है तो उसे मैं खत्म नहीं कर सकता, उसको पूरा करना है। अगर उसमें कंप्रोमाइज आएगा तो वो मेरे लिए काफी डिफिकल्ट होता है। इसे मैंने आइडियलाइज इस तरह से किया कि कायद आजम की जो पर्सनैलिटी थी ना, वो कंप्रोमाइज नहीं करते थे। उन्होंने जिस तरह से काम के लिए असूल बनाए थे कि हर काम पे डट जाना है, जब आपने प्लान कर लिया है तो उसके एक्शन करना है। अब उसके दरमियान हर्डल्स और जो आपके आ रहे हैं हर्डल्स आ रहे हैं उनको ओवरकम करना है, उनसे उनके साथ कंप्रोमाइज नहीं करना है। ये मेरे लिए काफी डिफिकल्टीज बना। अच्छा, तो मैं आपको एक सिनेरियो देती हूँ, ठीक है। हम निकल रहे हैं पिस्ता आइसक्रीम खाने, ठीक है, पिस्ताशियो आइसक्रीम खाने। हम पहुंचते हैं आइसक्रीम बार पे और वहां पे पता चलता है कि मैं तुम्हारे लिए स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम ऑर्डर कर देती हूँ, तो क्या ये इस पे कॉम्प्रोमाइज होएगा या इस पे लड़ाई होगी, क्या होगा? मैम, लड़ाई तक तो बात नहीं जाएगी, लेकिन मेरे जहन में कहीं ना कहीं ये बात रहेगी कि मुझे कहा कुछ गया और अब किया कुछ ज्यादा है, तो इस तरीके से मेरे ना दिमाग में कोई ना कोई बात चलती रहती है। उसको जब तक मैं निकालता नहीं हूँ, उनके सामने अपना अग्रेशन शो नहीं करता या मैं अपनी अच्छा। कोई ना कोई बात सुना नहीं देता, उस वक्त तक मुझे सुकून नहीं आता। उसकी वजह से मेरे काफी रिलेशन खराब भी होते हैं, लेकिन मैं वक्ती तौर पे होते हैं वो मैं बाद में सॉरी वगैरह करके या उनको मैनेज कर लेता हूँ किसी ना किसी। चलो ठीक है, तो अब सारे लोगों को ये पता चल गया कि अगर आदिल लतीफ को आप लेके जाएंगे आइसक्रीम खाने और कह के जाएंगे कि पिस्ते वाली आइसक्रीम खिला रहे हैं, तो भाई पिस्ते वाली आइसक्रीम ही खिलाना, स्ट्रॉबेरी वाली आइसक्रीम या कोई और फ्लेवर की ना देना, ठीक है, वरना बात रह जाएगी। अच्छा, तो अगर हम ये तो पर्सनल बात हमने कर ली और जरा लाइट हार्टेड उसे बनाया है, क्योंकि हमने जाहिर है रोना धोना तो नहीं है, वी ट्राइंग टू मेक इट लाइट हार्टेड जी। तो अगर आप तो किसी भी पॉइंट पे किसी बात का माइंड ना करना, ठीक है, ठीक है, जस्ट फॉर फन। ओके, तो नेक्स्ट अगर हम कहें कि लोकली आपके आप जहाँ पे रह रहे हैं, आप बता सकते हैं कि आप कौन से इलाके में रह रहे हैं वह लोकली? जी मैम, मैं फैसलाबाद पाकिस्तान में फैसलाबाद के इलाके में रहता हूँ। इधर गाँव है एक, चक नंबर 113 JB फैसलाबाद, नियर M3 मोटरवे 3। ठीक है, तो आप बता सकते हैं कि लोकली क्या इश्यू है, लोकली जो आपको लगता है जो डिफिकल्ट है, जिसके साथ जिसे आगे लेके आना डिफिकल्ट है या उस मौजू पे बात करना डिफिकल्ट है, क्या क्या ऐसा मौजू है? मैम, इसमें मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस इस तरह से है कि हमारे जो पॉलिटिकल है ना सर्कल, जो हमारे इधर बरादरी का सिस्टम है और जो हमारे काफी स्ट्रॉन्ग बिलीव्स बने हुए हैं कि जहाँ पे हमारे गांव का कोई बड़ा वोट करेगा या जहाँ पे ये लोग वोट करेंगे या जो सिर्फ वोट के मामले में नहीं, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू पे वो जो बात करेगा उसे अपोज नहीं किया जा सकता। अच्छा। हमारे टैबूज बने हुए हैं हमारी सोसाइटी में गांव के लेवल पर, तो इस हवाले अच्छा। से हमें काफी डिफिकल्टीज हैं, तो उनको अपोज करना, उनके सामने डिफरेंट ऑफ ओपिनियन करना काफी मुश्किल है। वो पर्सनल लेते हैं चीजों को और उसकी वजह से काफी ज्यादा मुश्किल आती हैं फैमिलीज को, और फैमिलीज इशू खराब होते हैं और ऐसे होते हैं। कोई टबू के कोई इशू बता सकते हैं कि क्या टबू क्या होएगा? औरत घर से बाहर निकले काम जाने के लिए, क्या ये टबू है? नहीं मैम, ऐसा कोई टबू नहीं है। मसलन हमारी फैमिली को तो ऐसा कोई इशू नहीं है, अल्लाह का करम है, लेकिन मैं लोकली पर्सनली बात नहीं कर रही, लोकली कर रही हूँ जी। मैम वो मैं लोकल बता रहा हूँ कि वो इस तरह से है कि मसलन हमारे जो कलेक्टिव डिसीजंस होते हैं ना गांव की सतह पर, मसलन किसी ने कहा कि इस बंदे को हमने सिक्योरिटी के लिए गांव में रखना है, एक बंदे को रखना है एज ए वर्कर सिक्योरिटी गार्ड गांव में रखना है, तो किसी का उस पर ऑब्जेक्शन होगा, तो वो ऑब्जेक्शन अगर उसके सामने करेगा शो या किसी की डिफरेंट ओपिनियन होगी, कोई अपनी च्वाइस का दूसरा बंदा देगा कि इस पे हमें ये ऑब्जेक्शन है या इसका पीछे बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, तो कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेगा, तो उससे काफी ज्यादा क्लैश होंगे, उसकी बात को
काफी गलत तरीके से लिया जाएगा, और उसके साथ जो हमारे डिसीजन मेकर्स हैं, जो ओपिनियन लीडर्स हैं ना हमारे गांव के, वो उसके साथ क्लैश बना लेंगे, अपना पर्सनल क्लैश बना के उसके तो डिफरेंट डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रखना मुश्किल है लोकल लेवल पे. जी मैम, प्रॉब्लम है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रखना. जी मैम, जो ओपिनियन लीडर्स हैं उनके साथ हमें किसी भी तरीके से कम्प्रोमाइज करके चलना पड़ता है. ठीक है, तो और नेशनली क्या आपको लगता है कि नेशनल क्या प्रॉब्लम्स है जो जो मुश्किल है बात करने के लिए, जो लोगों को डिफिकल्ट लगता है कि जो बात नहीं कर पाते. मैम. नेशनल लेवल पे मेरा जिधर तक कंसर्न है, मेरा जहाँ तक ऑब्जर्वेशन है, नेशनल लेवल पे मैं पहले भी आपने दबस्तान का जिक्र किया, उस प्रोग्राम में भी मैंने डिस्कस किया था कि हमारे एजुकेशन में काफी प्रॉब्लम है इस हवाले से. अच्छा, एजुकेशन लेवल पे हमारे इस तरह से प्रॉब्लम है कि हम जो डिस्कशन करते हैं क्लासेस में, या जो आपको पहले बताया कि मैं प्लान्स जो बना लेते हैं एक बार सेशन स्टार्ट होने से पहले, टीचर्स काफी डिजाइन करके चलते हैं कि हमने इस वीक में इतना काम कवर करना है, इस वीक में इतना काम कवर करना है, इस वीक में ये असाइनमेंट्स स्टूडेंट्स के लिए होगी और इस तरह से काम चलेगा, तो उसके बाद उस पर कंप्रोमाइज शुरू हो जाते हैं. वो एक वीक का काम नहीं चलता, एक वीक का काम दूसरे वीक पे चला जाता है, दूसरे वीक का तीसरे वीक पे चला जाता है. तो जब फिर स्टूडेंट्स जाके टीचर्स को बताते हैं ना कि सर आपका ये प्लान था लेकिन आप इसके मुताबिक नहीं चल रहे, तो उसे काफी ज्यादा पर्सनल लिया जाता है और उस स्टूडेंट को काफी ना और नजरों से देखा जाता है, उसके साथ क्लैश लिया जाता है, उसके साथ ग्रेडिंग में मसला करते हैं टीचर्स और अच्छा। ये सारा मामला है. ठीक, ओके, तो ये एजुकेशन का हो गया नेशनली, और अब आप इंटरनेशनली, अब आप देखें साइट पे कमेंट्स भी लोग लिखते जा रहे हैं, तो हम उन्हें भी बताते चले, दैट वी कैन सी दैट यू आर कमेंटिंग, तमूर, तसद्दिक, राणा, जुनेद, रईस खान, सुदूजाई एंड समीन महमूद, सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग एंड कमेंटिंग. अच्छा आदिल, आप हमें ये बताएं कि अब इंटरनेशनल लेवल पे या ग्लोबल लेवल पे क्या ऐसा मौजू है जो आपको लगता है जो मुश्किल है जिसके बारे हम बात नहीं कर पा रहे. मैम, इसमें सबसे बड़ा मौजू है, सबसे पहले तो मैं थैंक्स करना चाहता हूँ जिन लोगों ने ज्वाइन किया, जो कमेंट अपनी ओपिनियन दे रहे हैं, और इंटरनेशनली हम देखें तो हमारा जो इश्यू है ग्लोबलाइज हो चुकी है इस वक्त दुनिया, तो उसमें जिस तरह से इस्लाम को टारगेट किया जा रहा है, जिस तरह इंटरनेशनल मीडिया में इस्लाम को रेडिकलाइज किया जा रहा है और उसके बारे में जो एजेंडा सेटिंग की जा रही है इस्लाम के बारे में, किसी इंडिविजुअल की एक्टिविटी होती है तो वो इस्लाम के नाम से प्रमोट की जाती है, किसी इंडिविजुअल की एक्टिविटी होती है वो पाकिस्तान के नाम से प्रमोट की जाती है, तो इस चीज को मुसलमानों के लिए, मुस्लिम दुनिया के लिए, पाकिस्तानियों के लिए डिफेंड करना बहुत मुश्किल हो रहा है, और दूसरी दफा पे जगह पे डिप्लोमेटिकली हम इतने वीक हो गए हैं, हम इतनी वैल्यू खो चुके हैं कि हम डिफेंड करना भी चाहें तो हमें अभी बहुत टाइम लगेगा, हमें यूनिटी चाहिए होगी, यूनिटी का सबसे बड़ा हमें क्लैश आ रहा है. अगर यूरोपियन के पास काफी ज्यादा मीडिया है, अगर इसराइल के पास काफी ज्यादा मीडिया है, अगर अमेरिका के पास काफी ज्यादा मीडिया है वो प्रोपेगेंडा कर सकता है, तो इस बारे में हमारी जो मुस्लिम कम्युनिटी है, इस बारे में जो हमारे जो अपने अलायंसेस हैं, OIC हो गई और इस तरह से मुस्लिम अलायंसेस हैं, इनको चाहिए कि अपने लेवल पे एक बनाकर एजेंडा बनाकर उस पे काम करें और उस लेवल का मीडिया लाएं उनके कम्पीट करने के लिए और अपनी ओपिनियन दें. ये काफी मुश्किल आ रही है अभी मुस्लिम वर्ल्ड में, ओवरऑल ग्लोबलाइजेशन के पर्सपेक्टिव में देखें तो इस हवाले से काफी मुश्किल आ रही है. ठीक है, नॉट लाइक से थैंक यू वेरी मच कि आपने हमें ज्वाइन किया, और हमारे व्यूअर्स के लिए एक सरप्राइज मैसेज ये है कि आज जिसका इंटरव्यू हम कर रहे थे, जिसे फर्स्ट पर्सन हमने सेलेक्ट किया कि हम इस जरिए इंटरव्यू करें, ये है अली बख्श के ग्रेट ग्रेट ग्रैंडसन आदिल लतीफ.
आपका बहुत बहुत थैंक यू कि आपने हमें टाइम दिया, थैंक यू आपने मैम. अपनी सोच का जाहिर किया, एंड वेलकम कि आपने पहले प्रोग्राम में शिरकत की, एंड इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती रहेगी. थैंक यू सो मच. बहुत थैंक यू. शुक्रिया खुदा मैम. हाफिज. खुदा हाफिज. खुदा हाफिज. खुदा हाफिज. खुदा हाफिज. For a minute.